आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में सीए के खिलाफ प्रदर्शन, 100 से ज्यादा संगठन राजघाट पर बनाएंगे मानव श्रृंखला। लाल किला, जामा मस्जिद, हनुमान मंदिर, दिल्ली से राजघाट तक मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी, सत्याग्रह मानव श्रृंखला नाम से प्रदर्शन। जामिया से भी निकलेगा राजघाट के लिए मार्च, पुलिस से इजाजत को लेकर सस्पेंस। यशवंत सिन्हा, आज गांधी शांति यात्रा का राजघाट पर करेंगे समापन, अखिलेश यादव, शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान जैसे दिग्गज हो सकते हैं शामिल। राहुल गांधी भी वायनाड से बोलेंगे सीए पर हल्ला, नागरिकता कानून के खिलाफ निकालेंगे रैली। यूपीएसटीएफ ने गोरखपुर बीआरडी अस्पताल से सस्पेंड डॉक्टर कफील खान को मुंबई से किया गिरफ्तार, एएमयू में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। 5 दिनों तक पुलिस रिमांड में रहेगा शर्जील इमाम, प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी बयानबाजी का आरोप। शर्जील को लेकर कन्हैया कुमार का सरकार पर हमला, बोले दिल्ली चुनाव खत्म होते ही शर्जील का मामला हो जाएगा खत्म। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखे कश्मीर की आजादी के पोस्टर, नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध के दौरान शर्जील इमाम का भी समर्थन। सीएनआरसी पर अलग सुर अलाप रहे प्रशांत किशोर की जेडीयू से छुट्टी, नीतीश ने दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। दिल्ली चुनाव में अमित शाह का बड़ा बयान, का 8 तारीख को आपको वोट बताएगा कि आप शाहीन बाग के साथ हैं या भारत माता के साथ। आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले है कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। नागरिकता कानून के विरोधियों को आरएसएस नेता इंद्रेश ने कहा गद्दार, सीए समर्थकों को बताया देश प्रेमी, विपक्ष पर लगाया मुसलमानों को भड़काने का आरोप। राजनाथ सिंह ने मुसलमानों को दिया आश्वासन, कहा हमारी नीयत पर मत कीजिए शक, कोई नहीं छीनेगा आपकी नागरिकता। शाहीन बाग को लेकर अजहरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरा, कहा उन्हें लगने लगा है डर। सीए पर यूरोपीय संसद में भारत की कूटनीतिक जीत, प्रस्ताव पर टली वोटिंग, आज होने वाली वोटिंग अब 31 मार्च को। सीए को लेकर उमा भारती का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस 1947 के हालात पैदा कराना चाहती है जब भारत का विभाजन हुआ था। लखनऊ के घंटाघर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को बाल कल्याण समिति ने भेजा नोटिस, अखबारों के जरिए जारी किया जाएगा नोटिस। न्यायालय बाल कल्याण समिति ने घंटाघर पर सीए और एनआरसी के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन से बच्चों को हटाने के लिए आदेश, बच्चों को न हटाए जाने पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत होगी कार्रवाई। सीतामढ़ी में सीए और एनआरसी के विरोध में बंद के दौरान बंद समर्थकों ने एम्बुलेंस को रोका, गर्भवती महिला कराहती रही, लोगों ने नहीं दी एम्बुलेंस जाने की जगह।